नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पश्चिम चंपारण जिले के प्रखंड रामनगर गंडक कॉलोनी परिसर में लालू विचार मंच बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शेख वकील ने की। वक्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने कहा कि राजद रामनगर विधानसभा क्षेत्र में ललन बैठक को अपना प्रत्याशी बनाए तो राजद की जीत पक्की है। बैठक में कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ललन बैठक को प्रत्याशी बनाने की मांग की। में प्रखंड अध्यक्ष लाला मोहम्मद मियाँ, अखलाकुर रहमान, रीता देवी शेख आरस, तीतरी देवी शेख इमाम सहित अनेकों शामिल रहे। बिहार पश्चिम चंपारण से जय सिन्हा की रिपोर्ट। आपका परिचय? शिवचंद्र राय है, लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि रामनगर जो विधानसभा है, बराबर हमारे जो गठबंधन के साथी यहाँ पर बराबर हार होती रही और भाजपा जिसका उद्घाटन भाजपा की जीत होती रही, इसलिए हम सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लालू विचार के पदाधिकारी हैं बल बैठा के, इनको यदि टिकट तेजस्वी बाबू दे देते तो यहाँ का सीट बहुत वोटों से, जैसा कि मैं सर्वेक्षण किया, फारू वगैरह भी लोगों से बात की है, वो लोग कहे कि ललन बैठा की यदि आप कंडेट बना के वहाँ से भेज देते हैं तो उनका जीत निश्चित होगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।